और इसको अक्सर चीजें भूल जाती ये जी हैं। 1300 रुपये में एक सेक्सी बेड है यहाँ पे। अभी अभी मैं एक खाई से बाहर आया हूँ, खाई खाई में गिर गया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी उमेर साहब हमारी अभी चाय बना रहे हैं माशाल्लाह से। ये जी उमेर जट रांझा फ्रॉम गुजरांवाला, और ये आखिर स्लोएस्ट पर्सन है और इसको अक्सर चीजें भूल जाती हैं। ये जी 1300 रुपये में एक सेक्सी बेड है यहाँ पे, और ये हमने लिया है कागान बाजार में, और दिस इज अ सेक्सी बेड ओनली 1300 इन ब्यूटीफुल। और ये इसका आप वॉशरूम भी देख लें, बड़ा फर्स्ट क्लास किस्म का इन्होंने इसको बनाया हुआ है। और ये इसका आउट व्यू है बिल्कुल सामने। ये गुजरांवाला से आ गया वापस, वहां से पहुंच गया, लेकिन इसके टिश्यू इसे याद नहीं रहे कि मैंने टिश्यू पेपर लेने थे, फिर इसे कैब याद नहीं रही, अब इसे नेक कवर जो है वो भी इसने ले लिया है, और मुझे नहीं पता कि सिगरेट इसके खत्म हुए पड़े और आगे आगे जाके इसने मजीद क्या लेना है इसका कुछ पता नहीं है। बिस्किट इसने नहीं लिए, ड्राई फ्रूट इसने ले लिया, टॉफियां इसके पास नहीं थी। फैसल भाई की एक बात मैं बताता हूँ आपको, फैसल भाई ना मुझे अपनी दादी अम्मा की याद दिलाता है। दादी अम्मा भी हमें एक एक पॉइंट पे ना वो हमें गाइड करती थी, नो डाउट ये हमसे प्यार करते हैं और ये ऐसा हमें साथ साथ गाइड करते रहते हैं। अली साहब हैं, फर्स्ट ट्रैक पे हैं हमारे साथ, ये अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो व्यू है ये जी, यहाँ पे ये कागान बाजार है नीचे, और ये कुछ दोस्त हैं जो पिशावर से आए थे, बेसिकली आज सुबह निकले हैं सीडी 70 के ऊपर, और ये लोग ना इस वक्त तकरीबन 11 से पहले यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी इन्होंने यहाँ से शोगरा आगे नारायण की तरफ जाना है, वहाँ से ये शोगरा जाएंगे और वहाँ से इन्होंने चित्राल के लिए मूव करना है, और कहते हैं कि जब तक पैसे हमने चलते रहना है। तो ये है जी यहाँ पे का व्यू है थोड़ा सा। यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है, जीप हमें यहीं तक छोड़ेगी और फिर आगे। ये आ गए हमारे अली भाई हैं, जिनको फर्स्ट टाइम हम इस ट्रैक पे लेके आए हैं। अजी
और इनके पीछे हमारे प्रो ट्रैकर हैं फैसल भाई। फैसल भाई भी अपनी परफॉर्मेंस देते हुए जाने दे यहाँ से ऊपर से बर्फ आई है। ये हमारे फैसल भाई हैं जो कि ट्रैक कर रहे हैं, और फैसल भाई आज काफ़ी फिट लग रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्टेमिना गेन किया है काफ़ी ज़्यादा। कैसा लग रहा है फैसल भाई आपको आज? एक ज़बरदस्त दिन है, और उसकी वजह यह है कि ये डन्ना मेडोज पे जा रहे हैं हम कागान वैली में जी फैसल भाई, और इसकी खूबसूरती यह है कि ये फर्स्ट टाइम कोई टीम जा रही है अच्छा डन्ना मेडोज पे, इससे पहले विंटर में कभी कोई नहीं गया। और ये एक हमारे नए साथी भी साथ हैं, मज़े की बात है, हम इनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, इंकरेज करते हुए ऊपर लेके जा रहे हैं। और ये ज़बरदस्त हमारा एक टूर है, जिस तरह हमने शहरान में एक विजिट किया था फर्स्ट टाइम विंटर का, बिल्कुल के लोकल बंदे हैरान हो गए थे कि यार ये लोग किधर पहुँच गए। एग्जैक्टली ऐसे ही होता। आज सेम मेरी इन लोगों से बात हुई है, तो ये कह रहे हैं जी हम भी कभी विंटर में ऊपर नहीं गए इससे पहले, तो ये भी हमारे साथ फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ऊपर, तो ये भी हमारा एक नया रिकॉर्ड है आज इस विंटर का दोबारा। नो डाउट, एक नई जगह पे फर्स्ट टाइम कोई बंदा विंटर में जा रहा है ट्रैक करके, ऐसे ही है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ज़बरदस्त होगा। इंशाल्लाह देख रहे हैं हम तकरीबन काफ़ी हाइट पे पहुँच चुके हैं, बहुत ज़्यादा। जब भी ट्रैक कर रहे हो, एक एडवाइस है कि आप जब भी बर्फ़ के ऊपर चल रहे हो तो आपको बिल्कुल सेफली चलना चाहिए। अभी अभी मैं एक खाई से बाहर आया हूँ, खाई में गिर गया था। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वो खाई है जिसके अंदर, ये काफ़ी गहरी खाई है, मैं एकदम से इसके अंदर चला गया था और अभी बाहर आया हूँ बहुत मुश्किल से। ये जी उमेर साहब हमारी अभी चाय बना रहे हैं माशाल्लाह से, और ज़बरदस्त सीन है और एडवेंचर कर रहे हैं ये। आज पहली दफ़ा इन्होंने ये कुकिंग का शोभा पकड़ा है। तो अदरवाइज मेरा रोल ही चलते थे ये, इसके मुझे। इसको कभी भूख लग जाती थी, कभी इसको ये चीज़ चाहिए थी, कभी वो चीज़ चाहिए होती है, लेकिन आज इन्हें हमने कुक बना दिया। सर ये इनकी कड़क किस्म की चाय बन रही है। इधर अली भाई बैठे हुए हैं जी गरम हो रहा। ये स्पिरिट और ऊपर हमारी वापडा की रोशनी हमारी अपनी पैदा करता। मैं जट रांझा इज नाउ सर्विंग द टी। थैंक यू ब्रो, फैंटास्टिक टी है ये। It is very fantastic. ये अली भाई हैं जी माशाल्लाह से चाय पी रहे हैं। मेरे पप्पे हीट हो गया है, हीट हो गया कब्र पर। इसके ऊपर कितनी, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसके अंदर बोल रहा है। आप ले मैं लेता हूँ, आप तो आप ले 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 ले, मेरा कोई मसला नहीं, मैंने अभी पानी पिया कोई मसला नहीं। वाह यार उमेर, यू आर लुकिंग वेरी नाइस। उधर आग जल रही है और मैं आपको क्या बताऊं कि आपका क्या सीन है। कोई रनिंग नहीं की 10 महीनों में, और फिर उसके साथ मैंने कोई ट्रैक भी नहीं किया था, आज मैंने फर्स्ट टाइम किया। आखिरी आधे घंटे में मैं थोड़ा सा
पंप हो गया था, मेरे हील्स में पेन शुरू हो गई थी, तो फिर मैं भाग के जो है तो इधर पहुंच गया और अपने पाँव को थोड़ी टकोर की है, तो उससे मुझे काफ़ी लफाका मिला। लेकिन एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, उमैर रांझा जिसके साथ मैंने लास्ट ट्रैक किया था चंबर पीक का 4700 meters जो है तो वो हाइट पे है, उसके अंदर मैंने देखा था इसका वजन जो है ना वो एंड पे पहुंच चुका है, फटने वाला है। मैंने ट्राई नहीं, बिल्कुल वाकई सही बात है, मेरा बहुत सांस खुली होती थी, मैंने ट्राई नहीं की वैसे इसको, उस वक्त अगर मैं सुई मारता ना या कोई कांटा तो इसने फट जाना था। इसकी गालें जो है ना वो जिन की तरह फैली हुई थी, तो मैंने इसे मना किया था, भाई ये तेरा आखिरी ट्रैक है। मजे की बात यह है कि मैं जब ना सुबह टैक्सी पे बैठा, अच्छा, तो मैंने उसे, मेरा चाचा था टैक्सी चला रहा था, कह रहा यार मैं क्रीम बुक कर रहा था, अच्छा, तो उसने मुझे देखा, उसने मुझे शीशा नीचे करके आवाज लगाई, हमारे साथ भी चले जाएं। अच्छा। फैसल भाई वेल डन, पहाड़ो सुनो, इधर सिर्फ मैं और तुम है। पहाड़ो सुनो, इधर सिर्फ मैं और तुम है। Yeah.